साथियों, फ्रांस की ये धरती इस बात की गवाह है कि किसी भी देश में परिवर्तन के पीछे परिश्रम होता है, उस देश के नागरिकों का पसीना होता है। भारत की धरती भी आज एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रही है। इस परिवर्तन की कमान भारत के नागरिकों के पास है, भारत की बहनों बेटियों के पास है, भारत के युवाओं के पास है। आज पूरा विश्व भारत के प्रति नई उम्मीद, नई आशा से भरा हुआ है। ये आशा, ये उम्मीद ठोस नतीजों में बदल रही है और इसकी एक महत्वपूर्ण ताकत है भारत का ह्यूमन रिसोर्स। ये ह्यूमन रिसोर्स संकल्पों से भरा हुआ है। साहस करने की वृत्ति वाला है। ये भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ मानवता के कल्याण के लिए मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहा है। साथियों, आज का भारत अपनी वर्तमान चुनौतियों, दशकों से चली आ रही समस्याओं, उनका स्थायी समाधान कर रहा है। भारत ठान के बैठा है कि ना कोई अपॉर्चुनिटी गंवाएंगे और ना ही एक पल का समय गंवाएंगे। हम पूरी ताकत से देश के भविष्य को उज्जवल बनाने, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में जुटे हैं। और मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से कहना चाहता हूं, मैं भी संकल्प लेकर के निकला हूं। शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए। साथियों, आज टेक्नोलॉजी के प्रभाव को हम पल पल महसूस करते हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवेन है। आज भारत के 25,000 से अधिक स्कूलों में 80 लाख से ज्यादा बच्चे अटल टिंकरिंग लैब्स में इनोवेशन की एबीसीडी सीख रहे हैं। हमने 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों को देखते हुए नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। आज का भारत विमेन लेड डेवलपमेंट को आधार बनाकर आगे चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ एक ट्राइबल विमेन, एक आदिवासी महिला भारत का प्रेसिडेंट के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। हमारा नेतृत्व कर रही है। आज भारत में लड़कियां भी हर सेक्टर में लीडरशिप की भूमिका में दिख रही है।
हायर एजुकेशन में गर्ल्स एनरोलमेंट लगातार बढ़ रहा है और मुझे खुशी है कि यहां नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने आए दस्ते में कई विमेन ऑफिसर्स हैं, विमेन पायलट शामिल है।